क्या नाम सर जी? जी मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी ये बताइए, यहाँ पे आए दिन ट्रक खड़े रहते हैं, जैसे कि अभी आगे खड़े भी हैं, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी ये तो बहुत गलत हो रहा है। कोई हादसा हो जाएगा तो क्या होगा भाई? मान लीजिए कोई गाड़ी वाला आना टेढ़े तो होते हैं ना, अगर ठोक दिया कोई गाड़ी। अब ये सोए हुए हैं और जो एक बगैर सोया हुआ कोई अगर ट्रक लेके आ रहा है, इस तरह के हादसे होते हैं? ये दो दिन पहले जो है यहाँ के स्टूडेंट हुआ था, गिट्टी का लोड ठेला था, ओवरलोड लगते हैं ना। अच्छा, पुल में आरटीओ नहीं लगता क्या? पुल में लगता, यहाँ नहीं आता ना। चेकिंग के डर से या आरटीओ के डर से? अंडरलोड है ना हम लोग के ट्रक। अच्छा, ईमानदारी से बोलिएगा, सही है गलत है? गलत सही का, वो तो खड़े ना। अरे ये तो साहब खड़े हैं, ये रोड का देख रहे हो? नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी साध और आप देख रहे हैं इंडिया दी बुशो न्यूज। पौने 6 बजने वाले हैं सुबह के और हम इस समय जो है ब्रिज में हैं और ब्रिज की तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो ब्रिज है इतना चलता हुआ है कि एक कभी कभी तो एक सेकंड के लिए भी गैप नहीं पड़ता है गाड़ियाँ निकलने का। पर यहाँ पे ब्रिज में जो खड़े हुए ट्रक, कानून ने इन्हें परमिशन दिया है या सरकार ने इन्हें परमिशन दिया है यहाँ खड़े करने के लिए, वही तस्वीरें आज हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। क्या नाम सर जी आप? जी मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी ये बताइए, यहाँ पे आए दिन ट्रक खड़े रहते हैं, जैसा कि अभी आगे खड़े भी हैं, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी ये तो बहुत गलत हो रहा है। हम सुबह सुबह टहलने के लिए मॉर्निंग वॉक में आते हैं तो हमें बहुत डर लगता है चलने में जी, इसलिए ऐसे ये होता है कि अब कल से अब या दो तीन दिन बाद हम नहीं आएंगे। अच्छा, इनके लिए कोई कानून वानून नहीं बना है क्या ट्रक वालों? बना है सर, अब क्या जाने, अब सर सरकार जाने, पुलिस जाने, हम क्या कह सकते हैं इसमें, क्योंकि एक साइड से पूरा ट्रक खड़े रहते हैं तो दूसरी तरफ से जो गाड़ी आने में और या जो लोग आने जाने में उनको कितनी दिक्कतें होती? बहुत दिक्कत होती है इसमें, हमें भी पैदल चलने में दिक्कत होती है सुबह सुबह, क्या करें इसमें। तो आप यहाँ देख सकते हैं राकेश कुमार जी का क्या कहना है कि पैदल आने जाने में भी बड़ी दिक्कत होती है और सुबह के लगभग 6 बजने वाले हैं जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दोपहर को तो ये लोग दिखाई नहीं देते हैं, लगभग रात को ही ये लोग गाड़ी खड़ा करते हैं और रात भर यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहते हैं। आपको दिखाएंगे आगे कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, देख सकते हैं। ये साइकिल वाला जो है बेचारा कैसे निकलेगा, साइकिल वाला जो है ये निकलेगा कैसे? ऐसे में ही हादसा होता है। अब ये अगर थोड़ा सा भी इसको धक्का लग जाए, टच लग जाए साइकिल वाले को, इसका बेचारे का क्या हाल होगा? ये ताज़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 15 अप्रैल की। आधा रोड तो वैसे भी जाम है, आधे में आ गया ट्रक सामने से। अब अगर कोई छोटी गाड़ी या बगल से कोई निकल रहा है तो वो कैसे निकलेगा, सवाल यहाँ पे ये है। सुबह हम भी घूमने के लिए अगर चले जाते हैं तो ये लोग भी जो है ट्रक लेके फिर भागना इनका शुरू हो जाता है, ऐसा होता है। अब देखिए ये गाड़ी स्टार्ट करेंगे और यहाँ से भागेंगे। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि जब भी हम आते हैं तब ये लोग भागते हैं। ये ट्रक खड़ा हुआ है, ये भाई साहब जो है कितने बजे से खड़े हैं पता नहीं। या भाई साहब, ट्रक स्टैंड है क्या ये? आए ये बताइए, ये अच्छी बात है या गलत है? गलत है ना, खड़ी करना। कोई हादसा हो जाएगा तो क्या होगा भाई? मान लीजिए कोई गाड़ी वाला आना टेढ़े तो होते हैं ना, अगर ठोक दिया कोई गाड़ी जंगलों में चली जाएगी, उस दिन क्या होगा? बहुत प्रॉब्लम है। तो आप भी समझदार हैं, ऐसा लगता है कि ये इनको जो मालिक हैं ट्रक मालिक तो ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप जो है ट्रक को ब्रिज में खड़े करके सो जाने का। अब ये सोए हुए हैं और जो एक बगैर सोया हुआ कोई अगर ट्रक लेके आ रहा है और कोई भी घटना हो सकती है। अभी थोड़े दिन पहले की बात बताएं, यहाँ शादी मदनपुर में सुबह के 3 बजे जो है एक ट्रक यहाँ पर सीधा बस्ती में ही घुस गया था। वो क्यों घुस गया? उसका कारण ये था कि उसी साइड से गाड़ी आ रही थी और ये साइड से ट्रक अपनी राइट साइड से जा रहा था, पर आउट साइड से एक ट्रेलर आ रहा था और ट्रेलर ने बगल से निकाला और वो ट्रक वाला संभाल नहीं पाया, सीधा जाके बस्ती में गाड़ी घुस गई। तो ये होता है, इस तरह के हादसे होते हैं ये सब यहाँ पे जो ट्रक खड़े रहते हैं। तो हम आपको अच्छे के लिए जो है न्यूज़ दिखाते हैं ताकि सबको कुछ सीखने को मिले। नहीं, हमको यहाँ ब्रिज में कोई सोने के लिए नहीं आना है,
पर पत्रकार ही बुरा बन जाता है, वो अच्छाई करता है पर बुरा बन जाता है। अब एक बार में अगर समझ जाए तो कितनी अच्छी बात है। सब लोग संविधान की बात करते हैं, तो इनके लिए कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। अरे ब्रिज बनाए गए हैं तो किस लिए बनाए गए हैं? सुविधा के लिए बनाए गए हैं कि ट्रक खड़ा करने के लिए बनाए गए हैं? अगर ट्रक खड़ा करने के लिए बनाए गए हैं तो दोनों साइड से खड़ा करिए, दोनों लाइन जाम करिए, पूरी तरह ट्रक खड़ा करिए और लिख दीजिए, बड़ा बोर्ड लगा दीजिए, ये ट्रक स्टैंड चिल्ला यमुना ब्रिज जो है वो ट्रक स्टैंड है, ट्रक खड़ा करने के लिए है, इस तरह से यहाँ पे लिख देना चाहिए। ये कोई आज की बात नहीं कर रहे हैं हम, ट्रक का खड़ा होना और ये ट्रक आए दिन खड़े ही रहते हैं। अब तो थोड़ा सा कभी हम अगर सुबह घूमने के लिए आ गए और यहाँ की तस्वीरें अगर दिखा देते हैं तो थोड़ा इनको अगर जानकारी है तो ये उस टाइम पे भग जाते हैं या तो सोए रहते। आज हम सुबह 5 बजे निकले और 5 बजे लगभग 5:30 बजे ब्रिज में आए, तब से देखना शुरू किया तो इस पार से लेके उस पार तक करीब 16 जो है ट्रक इसमें खड़े हुए थे, 16 ट्रक खड़े थे लाइन से। अब आप सोच सकते हैं कि अगर 16 ट्रक 20 ट्रक खड़े हो जाएंगे तो पूरा ब्रिज जाम हो जाएगा। इससे क्या होता है, क्या ब्रिज में नुकसान नहीं होता है? ब्रिज में लोड नहीं बढ़ता है? हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो 2 नंबर का ब्रिज है वहाँ भी ट्रक देखने को मिलते हैं कभी कभी, पर इस समय अब ज़्यादातर जो है 1 नंबर पे ही ट्रक खड़े रहते हैं। पहले 2 नंबर पे खड़े रहते थे, अब 1 नंबर पे खड़े रहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ब्रिज का जो रोड है डामर है, एकदम चकाचक हो गया है। इस पे पहले बहुत सारे खड्डे थे तो कोई निकलने को भी तैयार नहीं था और यहाँ खड़े भी नहीं रहते थे ट्रक, पर अब जो है ये ब्रिज बना दिया गया है तो शायद इन्हीं के लिए बना दिया गया है। ये जो ब्रिज को बनाया गया है ये शायद जो है ट्रक वालों के लिए ही बनाया गया है कि भैया इसमें अच्छे से डामर डाल दीजिए, इसको चमचम बना दीजिए, ट्रक वाले यहाँ खड़े होने वाले हैं। चिल्ला यमुना ब्रिज से अच्छा ट्रक स्टैंड तो कहीं हो ही नहीं सकता है, ये लोग ऐसा समझ के यहाँ पे ट्रक खड़ा करते हैं। और कुछ ही दिन पहले जो है ये ब्रिज की मरम्मत हुई है, जो रिपेयर हुआ है, और इसके बाद जो है अब ये एकदम अच्छा है और इसी में लाइन से जो है ट्रक यहाँ आए दिन खड़े रहते हैं। एक साइड जो है ट्रक खड़े रहते हैं आए दिन, वो भी लाइन से खड़े रहते हैं, एक दो ट्रक की बात नहीं है, यहीं पे आके सो जाते हैं। तो अगर ये इनके लिए कोई कानून नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं तो इन पे ध्यान दिया जाए। हम इनकी नंबर प्लेट तक दिखाते हैं इसीलिए ताकि इनको जाना जाए, पहचाना जाए कि भाई आखिर ये किसकी गाड़ी है, कहाँ की गाड़ी है और क्यों खड़े करते हैं। एक बार तो इनकी जाँच हो जाए कि भाई गाड़ी पुल पर क्यों खड़े करते हैं, किसकी कहने से खड़े करते हैं, आखिर इनका मालिक बोल देता है खड़ी करने के लिए या कोई इन्होंने परमिशन लिया हुआ है। अगर इन्होंने कानून से शासन से परमिशन लिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, खड़ी करिए खूब। इस तरह से जो है यहाँ चल रहा है, ट्रक खड़ा होने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। अब आपको थोड़ी सी तस्वीरें कुछ सुबह सुबह की दिखा देते हैं, सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िला और चिल्ला यमुना घाट है वहीं पे ये ब्रिज बने हुए हैं, उसी ब्रिज पे हम खड़े हैं और ऊपर जो आप 2 नदियों का संगम देख रहे हैं तो ये यमुना जी हैं जो ये साइड से आई हुई हैं और ये केन नदी है जो बांदा ज़िले से चल के यहाँ पे मिली हुई है। ये चिल्ला ब्रिज है, दोनों ये इतना चलते हैं, इसमें जो आवागमन है वाहनों का, ट्रक है, बस है और बहुत ज़्यादा मात्रा पर आप देख सकते हैं, एक लाइन से जो है यहाँ ट्रक भी आते हैं, बसें भी आती हैं और ये ब्रिज दोनों बहुत चलते हैं क्योंकि ये बांदा से कानपुर एकदम सीधा पड़ता है और सबसे ज़्यादा जो है यही ब्रिज चल रहे हैं। आप कमेंट ज़रूर करें ताकि लोगों को भी पता चले कि भाई पब्लिक का क्या कहना है। क्या नाम भी आपका? कमलेश। अच्छा ये बताइए जो सुबह सुबह यहाँ ट्रक खड़े रहते हैं ये क्या अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात नहीं है। 2 दिन पहले जो है यहाँ एक एक्सीडेंट हो आया था, गिट्टी का लोड थैला था। अच्छा कहाँ कहाँ पे हो गया था? ब्रिज में हुआ था, पुल में उस बार। अच्छा पुल के बीचे में हुआ था, तो वहाँ ट्रक पड़ा था, वहाँ से पब्लिक निकलने की जगह नहीं थी और ब्रिज में एकदम भरा था, क्रेन आई है तो फिर उस ट्रक को ले गई है लाद के, गिट्टी लोड पुल में डाल दिया है। अच्छा ट्रक में क्या गिट्टी भरी हुई? गिट्टी भरी थी दोनों ट्रक में? एक ट्रक में गिट्टी भरी थी, अब एक को नहीं बता सकता, वो उधर से आया था, खाली था कि लोडिंग था। अच्छा ट्रक से ट्रक टकराया था या ब्रिज में टकरा गया? ट्रक से टकराया था। अच्छा आमने सामने? आमने सामने एकदम ठोक दिया था। कितने बजे की लगभग घटना होगी ये? घटना का नहीं पता, हम ड्यूटी जा रहे थे तो वही 8 बज रहा था जब हमने देखा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ट्रक पहले से खड़ा रहा हो और दूसरा ट्रक आके ठोक दिया हो?
अब ये तो नहीं बता सकते हम कि पहले से खड़ा था कि ठोक दिया था, वो जा रहा था, वो वहाँ से एक ट्रक का खाली आ रहा था तो ठोक दिया वहाँ। तो आप देख सकते हैं कि जिस बात की आशंका थी वो यहाँ पे जानने को भी मिल रही है कि 2 से 3 दिन पहले यहाँ इसी ब्रिज में आमने सामने ट्रक टकराए, गिट्टी भरी हुई थी और ट्रक जो है चकनाचूर भी हो गया था। अच्छा, किसी के जान हानि की उसमें? जान हानि की, कंडक्टर को थोड़ा घायल हो गया था। अच्छा अच्छा, कंडक्टर घायल होता है, उसके जो यहाँ चोट लग गई थी काफ़ी हाथ में, तो फतेहपुर अस्पताल गया हो, कहीं गया हो, ले गए थे उसको। तो यहाँ लोग आए थे, कोई भीड़ उड़ इकट्ठा हुई थी? हाँ, वो उसी पार के लड़के आदमी थे दुकानदारों का। अच्छा, वही बढ़िया बढ़िया वाले थे, वही देख दुख चले गए थे, उनको क्या लेना देना है। अच्छा, ये बताइए जो ट्रक खड़े रहते हैं यहाँ लाइन से खड़े रहते हैं, सुबह भी आपने भी देखा? अभी बहुत खड़े थे। हाँ, लगभग कितने ट्रक? लगभग कम से कम 25 ट्रक खड़े थे अभी लाइन से। अब बताइए, जगह नहीं है यहाँ से निकलने के लिए ब्रिज से, बताइए पब्लिक निकले तो कहाँ से निकले। दोनों ब्रिज से जो है ट्रक चल रहे हैं और एक साइड का जाम कर देते हैं, एक साइड का जाम कर देते हैं, ट्रक खड़े हो जाते हैं, जाम हो जाता है तो उस ब्रिज में जाम लग जाता है। अच्छा, अगर ऐसे ही ये ट्रक खड़े रहे तो एक दिन क्या बड़ा हादसा हो सकता है? बहुत बड़ा हादसा होगा, बहुत बड़ा। ये ट्रक जो है अगर ठीक से अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो शायद वो यमुना नदी में भी जा सकता है। नदी यमुना में चला जाएगा कि उसको मिलेगा मिट्टी मिलना मुश्किल पड़ जाएगा अगर नदी यमुना में चला गया नीचे। अच्छा, ट्रक पूरी तरह दोनों एक हिस्सा पूरा चला गया था आगे का, काफी रफ्तार से था, पूरा हिस्सा चौकरा हो गया था, चपक गया था डाला में जाके। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमलेश जी। क्या नाम भैया आपका? हरि प्रसाद। हरि प्रसाद जी, ये बताइए ये जो ट्रक खड़े रहते हैं लाइन से सुबह सुबह, इससे कोई परेशानी वरेशानी नहीं होती क्या किसी को? अब परेशानी का होती है, अब परेशानी वाहन को हो कह नहीं हो सकती, मतलब इसमें कोई हादसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ये यहाँ पे बोलते हैं 2-3 दिन पहले ट्रक पे एक्सीडेंट हो गए थे आमने सामने, जानकारी है कुछ? नहीं, हमको नहीं, नहीं जानकारी है। तो यहाँ पे जो ट्रक खड़े रहते हैं आए दिन खड़े रहते हैं, इससे लोगों को सिर्फ ये खड़े रहते हैं वो ओवरलोड लादते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो यहाँ जब कोई आगे ATO खड़ा होता होता, इसलिए पुल में खड़ा कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, पुल में RTO नहीं लगता क्या? पुल में लगता, यहाँ नहीं आता ना। हाँ, भाई फतेहपुर जिला का है तो अपना वहीं रोकता है, ढाबा तक रोक आता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पुल में नहीं रहता, यहाँ ठहर कर देते हैं। परेशानी तो होती ही है बहुत भाई, दूसरा वाहन भी नहीं निकलता, जाम भी लग जाता है बहुत बगल से। अभी ये हमारे शायद मदनपुर की ही गाड़ी थी, 1.5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था पलटूपुर के लड़के का, तो ट्रक ही कहते हैं खड़ा था, उसके पीछे से बुलोरो आई, ये बीच में बच्चे पड़ गए, तो वो भाई अब नुकसान तो है ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे जो ट्रक खड़े रहते हैं वो RTO के डर से यहाँ खड़े रहते हैं ब्रिज में। यहाँ पे जो भाई साहब मिले उनका कहना ये था कि RTO आगे या चेकिंग लगी हुई है तो उसी के डर से जो है ट्रक वाले यहीं ब्रिज में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तक RTO और यहाँ या तो ब्रिज में कोई चेकिंग नहीं लगती है, इसीलिए ये यहाँ की जगह बढ़िया चुनी है इन्होंने खड़ी करने के लिए, और आए दिन यहाँ पे ही खड़े रखते हैं। कि यहाँ पे जो पानी निकलने के लिए होता है बारिश का, यहाँ पे जालियाँ होती हैं, पर यहाँ किसी भी जगह जाली नहीं है। और जब 2 ट्रक या 2 गाड़ियाँ क्रॉस कर रही होती हैं तो अगर कोई पब्लिक है, कोई लोग हैं अगर पैदल आने जाने वाले, तो वो बगल से ही निकलते हैं। अब मान लीजिए कि सुबह सुबह लोग यहाँ आते हैं और 2 गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं और किनारे से कोई निकल रहा है, उसका पैर इसमें चला गया, तो उसका पैर टूट भी सकता है और इसमें भी हादसा हो सकता है, इसलिए इनमें जालियाँ नहीं लगी हुई हैं। अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक जा रही है तो इनमें जालियाँ ज़रूर लगवाई जाएँ, नहीं तो यहाँ पे किसी न किसी दिन किसी का पैर टूट जाएगा। छोटा बच्चा है और इसमें पूरी तरह से फंस भी सकता है। अब हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे बताया गया था कि यहाँ 2 ट्रक जो है 1 से 2 दिन पहले यहाँ पे टकराए थे, यहीं पे है वो 2 ट्रक टकराए थे। दो दिन पहले जो ट्रक यहाँ पे टकराए थे, जो एक्सीडेंट हुआ था इसी जगह पे हुआ था। ये गिट्टी भी यहाँ पड़ी हुई है, कांच भी टूटे हुए पड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे खास बात ये जानने को मिली है कि हमने जब एक ट्रक चालक से बात की कि आखिर यहाँ भाई साहब ट्रक क्यों खड़े रहते हैं, उन्होंने बताया कि RTO लगता है। हमने उनसे ये भी पूछा कि RTO कहाँ लगता है और कहाँ पे चेकिंग लगती है, उन्होंने बताया कि ये ब्रिज के उस पार RTO लगता है जो फतेहपुर ज़िला पड़ता है, और बांदा ज़िला पार इस पार जो है RTO लगता है, और RTO जो है बीच ब्रिज में नहीं आ सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ ट्रक खड़े कर देते हैं।
तो आप इन बातों को समझ सकते हैं कि आरटीओ के डर से, चेकिंग के डर से ये लोग जो है, जो ट्रक चालक है वो यहाँ पे ब्रिज में ट्रक खड़े करते हैं। क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है क्या कि भाई ब्रिज में क्यों नहीं लागू होता है? अगर ब्रिज में आरटीओ नहीं आ सकता है तो ब्रिज में आखिर आएगा कौन और इनको कौन मना करेगा और इनके लिए कौन सी कार्रवाई है? भाई उधर का, उस पार का, फतेहपुर ज़िले का अगर आरटीओ यहाँ नहीं आ सकता है और बांदा ज़िले का आरटीओ अगर यहाँ नहीं आ सकता है तो फिर आएगा कौन, इनको मना कौन करेगा और ये ट्रक खड़े करना यहाँ कब बंद होगा? और अभी भी आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ भी ट्रक खड़े हुए हैं कुछ लाइन से, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? महेंद्र। अच्छा ये बताइए, 2-3 दिन पहले यहाँ एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ जानकारी है? उधर गिट्टी पड़ी है ब्रिज में, वहाँ हुआ था। खैर चलो, रोंग साइड से जो ट्रक आ रहा था उसकी गलती थी, पर यहाँ ट्रक खड़े करना ब्रिज में क्या सही है? वो तो गलत है, लेकिन हम लोग तो भाई टायर देखने के लिए रुके हैं बढ़ा। पर ये बताइए कि अभी जो है सुबह कम से कम 15-20 ट्रक खड़े हुए थे, तो ये क्या अच्छा है? नहीं नहीं गलत है। तो ये बताइए आपका ही कोई ट्रक चालक, और आए दिन देखो एक्सीडेंट होते हैं, घटनाएं होती रहती हैं, तो ये जो ट्रक खड़े रहते हैं क्या ये सही बात है या गलत है बताइए? गलत है। इसकी वजह हमें तो नहीं मालूम है कि क्यों खड़े होते हैं सबके लिए, बाकी हम तो इसलिए खड़े हुए हैं कि मान लो टायर वायर देखने के लिए, चेक करने के लिए खड़े हो गए, चाय वाय पीने के लिए दुकान है बगल जी, में। जी जी जी, अगर मान लीजिए चलो गाड़ी खराब है, ट्रक टायर फट गया, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है, वो तो एक स्वाभाविक है। पर यहाँ पे हम देखते हैं लगभग बहुत दिन से नहीं आए, करीब 15 दिन से यहाँ नहीं आए, और ये 2 दिन पहले एक्सीडेंट भी हुआ था ये जानकारी मिली है। चेकिंग के डर से या आरटीओ के डर से? अंडर लोड है ना हम लोगों के ट्रक। अच्छा अच्छा, इसलिए खड़े रहते। तो यहाँ पे सभी जो है ट्रक चालक है और ये अपने राइट साइड में है, किनारे पे खड़े हैं, इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भैया भी खड़े हैं। क्या नाम सर आपका? मुलायम सिंह। अच्छा कोई बात नहीं, ये बताइए आप भी देखो ट्रक चलाते हैं, ये जो ब्रिज में लाइन से खड़े रहते हैं तो ये क्या सही है या गलत है? एकदम ईमानदारी से बोलिएगा, सही है गलत है? अब गलत सही का हो तो खड़े नहीं। अगर हादसा हो जाता है, किसी ना किसी को नुकसान, जैसे कि अब समझ लीजिए एक साइड ट्रक खड़े हुए हैं और दूसरे साइड से कोई ट्रक निकल रहा है और इसी बीच में कोई पैदल जो है चालक चल रहा है, तो उसको क्या हो सकता है अगर बीच में पड़ गया तो? अरे ये तो साहब खड़े हैं, ये रोड का देख रहे हो? हाँ, वही की न्यूज दे जाऊँ, इतने इतने गड्ढा ठेला पलट रहे हैं, देखो ये वही में मर रहे हैं कि ये ठाड़े में मरी हैं। जिस ब्रिज पे आप खड़े हैं ना, इसकी हालत कैसी थी पता है कि नहीं? अब हमारा चैनल देखिए हमने कितना इसका वीडियो डाला है, ये जो उधेड़ के बना है ना, एक नंबर, ये बनने वाला नहीं था। पहले एक मशीन फेल हुई, उसके नट बोल्ट टूट गए, दूसरी मशीन आई तब ये पूरी तरह उधड़ के जो है बना है, नहीं तो ये भी रिपेयर होके और आपको फिर वैसा ही थोड़े दिन में मिल जाता था खड्डा खुड्डा। अभी उस दिन जो ये साइड से ट्रक आया और वहाँ जाके टकरा गया तो रॉन्ग साइड से, जब ब्रिज दो बने हैं, आने के लिए अलग है जाने के लिए अलग है, तो अपने अपने साइड से आइए जाइए, क्योंकि गलत साइड से आएंगे तो इसी तरह में हादसा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरे को नुकसान होता है, गाड़ियों का भी नुकसान हो जाता है और कभी कभी लोगों का भी नुकसान हो जाता है, लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। बने रहिएगा और हम आपको इसी तरह तस्वीरें दिखाएंगे। देखो आप यहाँ काफ़ी जो है ट्रक वाले थे, उनसे हमने बातचीत की और इससे पहले जो है बहुत सारे ट्रक खड़े हुए थे ब्रिज में और इनका जो खड़े करने का कारण है वो है आरटीओ का डर। तो हमने जो बीच ब्रिज में एक भाई साहब खड़े थे उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि हम आरटीओ के कारण जो है यहाँ खड़ी करते हैं ट्रक, क्योंकि बांदा का जो आरटीओ है यहाँ नहीं आ सकता है, फतेहपुर का आरटीओ है वो यहाँ नहीं आ सकता है, तो अगर ये ब्रिज में कौन आ सकता है? यही आपसे सवाल है। अब कमेंट करिएगा, अब बने रहिएगा चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।